अर्चना की हीरोगिरी सारी की सारी निकल गई दोस्तों। अर्चना जो अपने आप को बिग बॉस ही समझ बैठी थी, शिव ठाकरे से क्या पंगा हुआ कि उसकी हीरोगिरी निकल गई। चलिए इस ट्रैक पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों अर्चना एक ऐसा करैक्टर है बिग बॉस के घर में जिसने बहुत कुछ किया है। शुरू में बिग बॉस के घर में बहुत ऐसी ऐसी चीजें की जो बिग बॉस ने भी कहा कि बहुत अच्छा अर्चना, अर्चना ही सब कुछ कर रही है। सलमान खान ने भी प्रेस की कि अर्चना एक्टिव है। फिर अर्चना ठंडी पड़ गई तो कहा गया कि अर्चना तुम दिखाई नहीं दे रही हो। अब अर्चना के पास पहले मुद्दा था, फिर मुद्दा नहीं था, अब अर्चना ने मुद्दे क्रिएट करने शुरू किए। अर्चना को जब यह पता चला कि मेरे बिना बिग बॉस नहीं है, तो अर्चना का जो कह सकते हैं अहंकार सातवें आसमान पे पहुंच गया और अब वो निकल गया, यानी कि अर्चना घर से बाहर। तो चर्चा करते हैं तो इसमें बस मैं एक ही बात ज्यादा कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अर्चना ने किसी को नहीं बख्शा है। ये बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है दोस्तों कि अगर आप फेक करते हो ना, आप दिखते हो, आपका पता चलता है। और अर्चना ने फेक मुद्दे क्रिएट किए बार बार अपना करैक्टर बताने के लिए कि मैं नेता हूं, मैं नेता हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं वैसा कर सकती हूं। अर्चना मेन अपने उस असलियत पे आई ही नहीं। हां ये जरूर है कि अर्चना ने घर को एक्टिव रखा, जिंदा रखा, मगर इस तरह से अगर आप करोगे कि किसी की भी दोस्ती कभी भी तोड़ दोगे, क्योंकि बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां पे रिश्तों की भी वैल्यू होती है, दुश्मनी का रिश्ता भी वैल्यूएबल होता है। जैसे कि हमने सुना सलमान खान भी कह रहे थे, बिग बॉस ने भी कहा या तो सुबह लड़ाई होते शाम को हक कर लेते हैं, तो ये क्या है? क्योंकि ये दुश्मनी है तो उस दुश्मनी को या तो आप पहले लड़ रहे थे वो फेक था या तो आप फेक कर रहे हो, तो लोग कंफ्यूज है बाहर। अगर हमने राइवल्स देखे थे, दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बनते देखे थे, तो वो हमने बिग बॉस 13 में देखा था, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला। वो वाली फीलिंग इस बिग बॉस में क्या किसी बिग बॉस में नहीं देखी। ना तो कोई सच्चा दोस्त दिखता है, ना कोई सच्चा दुश्मन दिखता है। अब बिग बॉस का शो तो इन्हीं के बेसिस पे चलता है ना। और अर्चना ने क्या किया, शुरू में गौतम से दोस्ती की, गौतम को नहीं लगा कुछ हुआ, अर्चना और गौतम की टूट गई, अर्चना कहीं और चली गई। अर्चना ने फिर किसी और से दोस्ती की, अर्चना ने प्रियंका से दोस्ती की, अल्टीमेटली प्रियंका को भी इस हफ्ते में धोखा दे दिया, उसको बेचारी को बचाया नहीं, फूल दे देती तो प्रियंका बच जाती, सौंदर्या को बचा लिया। तो ये जो अर्चना करती आई है, अंकित से पंगा ले लिया कि अंकित को जगाऊंगी, सुम्बुल से पंगा ले लिया, फिर ये कह रहा है भैया हम तो ऐसे हैं, भैया हम तो नेता हैं, हम नहीं बोलेंगे तो बिग बॉस कैसे चलेगा, निकाल के दिखाओ हमें। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बिग बॉस को चैलेंज करना, और बहुत कुछ कर दिया अर्चना ने। अब शिव ठाकरे से पंगा लेना, उसका गला दबाने पे आ गई, उसके गर्दन पे निशान भी लगे या जो भी उनके बीच में फाइट हुई। तो उस फाइट में जब शिव ठाकरे ने यह डिसीजन लिया कि बाहर ही जानी चाहिए, बिल्कुल सही डिसीजन है, एक कंपिटिटर बाहर ही जाना चाहिए जिसका हाथ कभी भी उठ जाता है। और ये जो गोल्ड माइन का टास्क हो रहा है उसमें टीना दत्ता को कहती है कि तुम सपोर्टर बनी हो, सपोर्टर ही बन के आई हो, तुमको जीतना वीतना तो है नहीं, मतलब किसी को कुछ भी कभी भी। सुरभि राणा आपको याद होगी, सुरभि राणा का पंगा सिर्फ किसके साथ था, श्री शांत के साथ, श्री शांत के साथ लड़ती रहती थी। तो यहां पे इसका कोई किसी के साथ ना तो पंगा है ना दोस्ती है, सिर्फ इसको यह है कि मुझे बस कभी इसके साथ कभी उसके साथ पंगे लेते ही रहना है। तो बिग बॉस को कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी लाइन पे भी तो जाना है ना, कुछ ऐसी चीजें भी तो दिखानी है जो वाकई में लगे कि बिग बॉस का शो चल रहा है, अर्चना का शो नहीं चल रहा है। तो अर्चना का शो तो अब हो गया है दोस्तों बंद, अब कितनी देर तक रहता है कि क्या पता वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए या कैसे हो, मगर फिलहाल तो नहीं है।
जिस तरह शिव साजिद अब्दू इनकी दोस्ती है, यहां पे मैं एमसी स्टैंड को भी नहीं गिनूंगी क्योंकि एमसी स्टैंड भी बिल्कुल मतलब कंफ्यूज है, कभी उधर जाता है फिर इनके साथ आता है, इधर उसका मन ज्यादा है क्योंकि उसको लगता है कि यहां पे मैं पहले से हूं तो यहां पे रहूं, मगर फिर भी कभी गौरी के पास जाता है, गौरी ने तो बिल्कुल ही अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो जिनके साथ आप शुरू से हो, जब उनके साथ नहीं आप रह रहे हो जैसे कि गौरी, तो आप तो किसी के साथ नहीं रह सकते। इतने बड़े घर में 14 लोग हैं और उनके साथ आप हरेक के साथ पंगा ले, तो शालिनी भनोट के साथ अर्चना पंगा ले रही है, सबके साथ पंगा ले रही है, तो अल्टीमेटली तो किसी ना किसी के कहते हैं ना कि अड़के में आना, तो वो आना ही था। अब्दू जिसको कोई गलती से भी हर्ट नहीं कर सकता, उसको भी इसने हर्ट किया क्योंकि साजिद खान से पंगा नहीं ले सकती थी अर्चना। साजिद खान को ही कहा गया था ना कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करो। साजिद खान क्योंकि फिल्में बनाते हैं और अर्चना इंडियन है और अब्दू फॉरनर है, फॉरनर के साथ पंगा लेगी, वो बड़ी बड़ी बातें बोलगी, फॉरनर है तो फॉरनर ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, फॉरनर इंडिया में आया है और जब बिग बॉस उनको मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप क्यों इस तरह बिना बात के पंगा ले रहे हो, या तो कुछ किया हो तो भी समझ में आता है। तो ये है दोस्तों अर्चना पुराण। अब ये अर्चना पुराण कितने दिन तक बंद रहेगा ये तो डिपेंड करता है मेकर्स पे, कब तक वो अर्चना को बाहर रखते हैं। अगर अर्चना की जगह कोई और वाइल्ड कार्ड एंट्री आता है और वो जमा देता है बिग बॉस को, या फिर यही 13 खिलाड़ी जमा देते हैं बिग बॉस को बिना अर्चना के, तो फिर तो अर्चना की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और एक बात और क्लियर है, वैसे तो पहले भी क्लियर थी, कि अब अर्चना के जीतने के चांसेस तो 0% हो गए हैं अगर वो आती भी है तो। तो अर्चना ने अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, उसको अपना ही अहंकार लेके बैठ गया है कि मैं ही हूं बिग बॉस को चलाने वाली, मैं ही हूं सब करने वाली। ये मेरा मानना है दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग का ये भी कहना है कि अर्चना को नहीं निकालना चाहिए था। तो इस वीडियो के नीचे आप अपनी राय को दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.